Hello and welcome to today's editorial reading. In this reading, we are going to talk about, or I'm going to read and explain, what is going on in Bangladesh. Ho kya raha hai Bangladesh mein? And jab se jo Sheikh Hasina jo thi, Sheikh Mujibur Rahman ki jo beti, jab se wo Bharat aayi hain, tab se shayad वो लोग इसी चीज़ के चलते, इसी को देखते हुए और इसी की चिढ़ के मारे हेट फैला रहे हैं, और शायद ये हेट पॉलिटिक्स के हिसाब से, या देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन. देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है आज के इस एडिटोरियल में. आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून. ओके. अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज विजिबल इन इंडियाज स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ द अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स इन बांग्लादेश. फ्रस्ट्रेशन मतलब वही चिड़. ओके. हेट, चिड़, बहुत ज़्यादा चिड़ दिखाई दे रही है इंडियंस लोगों के अंदर. क्यों? वो बिल्कुल विजिबल है क्योंकि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन है. कंडेमनेशन, कंडेम करना मतलब होता है चिड़ना, निंदा करना. इरीटेट हो रहे हैं इंडियन लोग जो हैं, इरीटेट. फ्रस्ट्रेट होना मतलब होता है इरीटेट होना, इरिटेट हो गए. क्यों? क्योंकि जो उनका स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन है, बहुत स्ट्रांगली वो लोग निंदा कर रहे हैं किसकी, अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स इन बांग्लादेश. बांग्लादेश के अंदर जैसे हिंदुओं से जो चिढ़ हो रही है भारतीयों से, तो बांग्लादेश क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पे मुसलमान लोग बहुत है, तो चिढ़ हो रही है. क्या हो रही है देखते हैं. एवर सिंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख Hasina's ouster following the political upheaval in the early August, New Delhi has repeatedly voiced concerns about the safety and security of Bangladesh minorities. Oh my god, bahut lambi line ho gayi. To ever since ka matlab hota hai jab se. Ever since former prime minister, former matlab hota hai purana, abhi jo hai usse pehla, koi bhi matlab लास्ट या कोई भी मतलब पहले का, भूतपूर्व इसको हिंदी में बोलते हैं. तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसका जो ऑस्टर हुआ था, ऑस्टर मतलब होता है किसी भी को भी पॉलिटिकली किसी को उसकी चेयर से, उसकी कुर्सी से फेंक देना, हटा देना, ठीक है. रिमूव वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो उनको रिमूव किया गया था. फॉलोइंग मतलब उसके बाद क्या हुआ, द पॉलिटिकल अपहीवल इन द अर्ली ऑगस्ट. जल्दी मतलब अर्ली अगस्त के दौरान पॉलिटिकल अपहीवल हो गया. अपहीवल का मतलब होता है केओस. केओस का मतलब होता है उथल पुथल, सब उलट पुलट हो गया, ठीक है. तो न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली जो है उसने रिपीटेडली मतलब बैक टू बैक बार बार वॉइस किया है. वॉइस करना मतलब होता है बोलना, आवाज़ उठाना, कंसर्न्स, ठीक है, कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश माइनॉरिटीज़. बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है, ऑफकोर्स मोस्टली हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम का ही बंटवारा जो हुआ था, तो बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके अंदर माइनॉरिटीज़ में जो हैं वो हिंदूज हैं. तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भारत ने, इंडिया ने, या न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने क्या करा है, वॉइस्ड चिंता बताई है. इट इज़ आयरोनिक, बड़ा ही आयरोनिक है. आयरनी क्या होता है? एक इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, इसको बोलते हैं आयरनी. क्या मतलब होता है आयरनी का? दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स. आयरनी का मतलब होता है विडंबना. विडंबना का मतलब एक आप बोल सकते हो एक तरह का सत्य है, वो सत्य जो बल्कि बिल्कुल कड़वा है, वो सत्य जो देखने में और समझने में अलग है, वो सत्य, वो आयरनी, वो सिचुएशन, लगे कुछ और हो कुछ जाए. जैसे आयरनी मतलब आयरनी ऑफ सिचुएशन की अगर बात करूँ, सपोज कोई एक बच्चा है, वो मुझे लग रहा है शक्ल से, या कोई इंसान जो शक्ल से मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है, भोला भाला, शरीफ सा, और वो मेरे पास आया और थोड़ी देर बैठा, बात करी और शायद पॉकेट मार के चला गया, चोरी कर ली, तो ये आयरनी हो गई. जो अच्छा लग रहा है वो बुरा मिले, या जो बुरा लग रहा है वो अच्छा हो, तो उल्टा होने की तरह से आयरोनिकल होता है, उल्टा. सो इट इज़ आयरोनिक, ये बड़ा ही आयरोनिक है, उल्टा है, बड़ा अजीब है. दैट की, दैट का मतलब क्या होता है, कि द टारगेटिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ हिंदू आइडेंटिटी कंटिन्यूज अनअबेटेड. अबेट करना मतलब होता है रोकना, अनअबेटेड बिना रुके या बिना कम हुए. अबेट का मतलब होता है रिड्यूस,
अबेट का मतलब होता है रिड्यूस, अनअबेटेड मतलब बिना रुके, बिना कम हुए, बढ़ता जा रहा है तेज से, कंटिन्यू हो रहा है। टारगेटिंग ऑफ हिंदू सिंबल्स, जो हिंदूज के जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ हिंदूज, जो हिंदू आइडेंटिटी के, हिंदू के मंदिरों के, इन सब के जो सिंबल्स हैं, वो बराबर उनके ऊपर टारगेट उनको किया जा रहा है। अंडर द वॉच ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। तो अभी जो वहाँ के PM है वो है मोहम्मद यूनुस, जो एक बार नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं। नोबेल प्राइज उन्होंने जीता है, किसका? पीस का नोबेल प्राइज जीता है, वो PM है, और उसी के देश में अब ये उटपटांग काम हो रहे हैं। ये कैसा नोबेल प्राइज का विनर हुआ? तो इसीलिए इसको आयरोनिक बोला है। ओके, तो ये था फर्स्ट स्लाइड, इसमें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये कुछ एक तस्वीर थी, ये जो टेम्पल्स हैं इनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, करा जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड है ये कैसे हुआ। सर्टनली का मतलब होता है बिल्कुल, हिंदी में इसको बोलते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल या सर्टनली के लिए और एक दो वर्ड होते हैं, एक तो आ गया इंडीड, एक आ गया ऑफ कोर्स, इंडीड ऑफ कोर्स, सर्टनली श्योर या श्योरली, ठीक है, इन सब का मतलब होता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। Certainly these are testing times for India-Bangladesh ties. Ties का मतलब होता है relations. तो जो India-Bangladesh के जो relations हैं उनके लिए ये testing time है, मतलब एक ऐसा समय जो दिखाएगा कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। New Delhi's reticence क्या होता है? बड़ा अजीब वर्ड है। तो reticence मतलब होता है चुप्पी, बोल सकते हो आप, कीपिंग क्वाइट, एक इंसान जो चुप है, वो नहीं चाहता ज़्यादा कुछ बोलना, उससे पूछेगा हाँ भी और क्या है, क्या कर रहे हो, क्या, हाँ ठीक है, ओके, नमस्ते, राम राम, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? रेटिसेंस। न्यू दिल्लीज रेटिसेंस ओवर द डिमांड टू डिपोर्ट हसीना टू फेस ट्रायल्स इज पॉसिबली रेजिंग हैकल्स इन ढाका। रेजिंग हैकल का मतलब होता है भड़काना, केओस को इंक्रीज करना, केओस इंक्रीज कर रहा है कौन? न्यू दिल्ली की जो चुप्पी है, किसके डिमांड के ऊपर? इस डिमांड के ऊपर कि हसीना को, शेख हसीना को डिपोर्ट करो, भेजो यहाँ पर टू फेस ट्रायल, उनको ट्रायल फेस करने, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, उन्होंने कुछ कुछ काम ऐसे करे हैं उनके ऊपर ट्रायल्स चलेंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, केस वगैरह चलेंगे, तो उनको भेजो यहाँ पर, तुमने क्यों उसे रख रखा है, और अगर तुमने रख रखा है तो यहाँ पर फिर ऐसा ही होगा हिंदुओं के साथ, ऐसे कुछ शायद उनकी सोच है। टू रेज हैकल, रेज का मतलब होता है उठाना। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी मैं ड्राइंग करूँगा, ये कुत्ता, ये कुत्ते के कान हो गए, वाह मेरी ड्राइंग ठीक ठाक है, काम चल जाता है। तो यहाँ अगर मैं उनके बालों की बात करूँ ना, यहाँ ये जो बाल होते हैं, जब ये कुत्ता क्रोधित होता है ना, गुस्से में, कुत्ता, इवन बिल्ली आपने देखी होगी, तो उसके तो यहाँ के बाल होते हैं गले के, ये ऐसे यूँ उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इन बालों को बोलते हैं हैकल्स। कब ये हैकल्स उठते हैं? जब कुत्ता या बिल्ली या कोई भी ऐसा जानवर, लकड़बग्घा जिसको हाइना बोलते हैं, ये बाल उठ जाते हैं इनके, तो उनको बोलते हैं रेजिंग हैकल्स, गुस्सा दिलाना, भड़काना, ठीक है। तो यहाँ से कुत्ते से रिलेटेड ये आया है, गले के ऊपर के बाल उठ जाते हैं गुस्से में। फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, सर्टनली, अच्छा ये तो हो गया, न्यू दिल्लीज रेटिसेंस, ये रेटिसेंस वर्ड यूज कर लो, रेटिस मतलब हो गया साइलेंस, ठीक है, साइलेंस, चुपचाप रहना, ज़्यादा ना बोलना, किसके ऊपर साइलेंस? ओवर द डिमांड टू डिपोर्ट हसीना टू फेस ट्रायल्स इज पॉसिबली रेजिंग शैकल्स इन ढाका। ढाका मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के अंदर जो ये केओस किया जा रहा है, केओस बढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। फॉर सम इन द न्यू रिजीम Riling India is the perfect way with which Bangladesh can look its powerful neighbor in the eye. In the eye मतलब होता है आँख से आँख मिलाकर देखना। तो with some in the new regime, with some, for some, कुछ लोग हैं new regime के अंदर। Regime का मतलब होता है rule, और regime का मतलब government भी होता है, नया system भी होता है, new regime, system, government। तो इस नए rule में, नए government में Riling India is the powerful way. Riling India, rile करना मतलब होता है भड़काना, stir create करना। STIR stir नहीं है, stir है, stir मतलब chaos create करना, इसका मतलब भी chaos ही होता है।
तो इंडिया में भी भड़काना इज द परफेक्ट वे, बिल्कुल सही तरीका है, विद विच जिससे बांग्लादेश कैन लुक इट्स पावरफुल नेबर, बांग्लादेश अपने पावरफुल नेबर की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। हाउएवर, हालांकि मिसकंसीव्ड द नोशन, हालांकि ये जो मिसकंसीव, कंसीव मतलब होता है समझना, मिसकंसीव्ड ना समझी है, या फिर हम बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है इस नोशन की, नोशन मतलब होता है विचार, ओके, विचार और आइडिया, विचार आइडिया सोच, थॉट, TOUGHT, थॉट आइडिया और ये विचार, तो ये जो नोशन है ना ये मिसकंसेप्शन है, बात ये नहीं है। अगर ऐसा सोचा जाए बांग्लादेश की तरफ से कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, इंडिया में भी हम ऐसा ही कुछ कर देंगे, तब हम उसकी आंखों में आंखें डाल के मिला के देख सकते हैं, सो ये गलत है, ओके। स्टिल, फिर भी, बोथ साइड्स मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ द ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है सीरियस, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग बोल सकते हो, ठीक है, ING, थ्रेटनिंग या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होते हैं दुष्परिणाम, ठीक है, बैड रिजल्ट्स बोल सकते हैं किसी भी चीज के, तो जो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑफ एनी डिले इन ब्रिंगिंग द, इन ब्रिजिंग द ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, ये जो डिस्ट्रस्ट जो बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो बढ़ रही है, लोग विश्वास नहीं कर रहे, इंडिया बांग्लादेश पे विश्वास नहीं करेगा, बांग्लादेश भारत पे विश्वास नहीं करेगा, सो दोनों साइड को क्या होना चाहिए, फुली अवेयर, समझ होनी चाहिए, बिल्कुल जागरूक होना चाहिए ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर, मतलब बहुत ही चिंताजनक विषय है, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है, बड़े ही सीरियस रिजल्ट्स हो जाएंगे ऑफ एनी डिले, अगर कोई भी डिले हुआ इन ब्रिजिंग द ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, ब्रिज मतलब होता है जोड़ना, ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, अगर इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो मिसट्रस्ट हो रहा है इसको खत्म करना, अगर ये नहीं हुआ, इसमें डिले कर दी, देरी कर दी, तो भाई फिर बहुत भयंकर काम हो जाएगा। डिप्लोमेटिक चैनल्स नीड टू बी एक्टिवेटेड सूनेस्ट एट द फुल थ्रॉटल, एट फुल थ्रॉटल, थ्रॉटल कोई भी एक बटन होता है, जैसे मान लिया ये कोई ऐसे कर कोई डिवाइस है, यहाँ पर ये बता रहा है जीरो, यहाँ पर ये बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू, फुल या मैक्सिमम, ठीक है, और ये एक डिवाइस है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, इस पोजिशन पर रखूँ इस डिवाइस को, ऐसे बटन अगर इस पोजिशन पर रखूँ तो इसका मतलब है ये कम है, इस पोजिशन पर मीडियम है, और अगर इस बटन को मैं ऐसे घुमा दूँ यहाँ पूरा ऐसे करके, जैसे ये बटन है ना, ऐसे ये बटन अगर इसको यहाँ रखो तो कम, और ऐसे करके घुमा दिया तो मैक्सिमम, तो ये हो गया एट फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, जैसे नल भी तो होता है अपना, नल भी एक तो कम पोजीशन पे वो कम पानी आ रहा है, फुल कर देंगे तो पानी तेज आएगा, तो वो फुल थ्रॉटल हो गया। तो एक ऐसा डिप्लोमेटिक चैनल बनाना चाहिए, चैनल मतलब जरिया, एक ऐसा मीडियम बनाना चाहिए जिससे क्या हो जाए, सूनेस्ट एक्टिवेटेड, सूनेस्ट एट फुल थ्रॉटल, जल्दी से जल्दी पूरी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर वो ऐसा कुछ जुगाड़ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट दो, हालांकि ढाका मस्ट क्रैक द विप, सबसे पहले ढाका को क्रैक द विप, मस्ट क्रैक द विप मतलब होता है अपनी जो डिमांड होती है उसको बढ़ाना चाहिए, अभी क्या डिमांड है पता नहीं, वो क्या डिमांड के बारे में, क्रैक द विप मतलब होता है किसी इंसान को, इंसान जब पावर में है और वो अपनी फालतू की डिमांड कर रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो होता है क्रैक द विप, ठीक है। टू एक्ट और नॉट टू एक्ट कैन नॉट कंस्टिट्यूएंट लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है, एक रिजल्ट बोल सकते हो कि वो करें या ना करें उससे रिजल्ट नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बनाना, तो उस चीज़ से लेवरेज नहीं होगा, एक लेवरेज मतलब यूज़ भी होता है, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, स्पेशली नॉट व्हेन द रेन्स ऑफ पावर विद मोहम्मद यूनुस द वेस्ट्स पोस्टर बॉय ऑफ ऑल दैट इज नोबल, स्पेशली नॉट व्हेन, स्पेशली तब नहीं जब रेन्स ऑफ पावर, भाई रेन का मतलब होता है ब्रिडल, और ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़ा होता है घोड़े को कंट्रोल करने के लिए रस्सी होती है ना, वो चलाते हैं तुकड़ुक तुकड़ुक तुकड़ुक, वो रस्सी जो होती है उसको बोलते हैं ब्रिडल। तो रेंस ऑफ पावर यानी कि जो लगाम है पावर की, ताकत की, जो कंट्रोल है, यहाँ पर इसका रेन का मतलब कंट्रोल भी बोल सकते हो, ब्रिडल या कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, CONTROL, तो जो कंट्रोल है पावर का वो सारा का सारा मोहम्मद यूनुस के अंडर है। वो कौन है मोहम्मद यूनुस, द वेस्ट पावर पोस्टर बॉय ऑफ ऑल दिस, वेस्ट का पोस्टर बॉय है, वेस्ट का हीरो है, क्योंकि इसको नोबल्स के अंदर अगर काउंटिंग करें तो नोबल का नोबल बंदा है, इसको नोबल प्राइज मिला हुआ है, ओके। स्टिल, फिर भी, बोथ एक चीज मिस हो गई इसमें तो लग रहा है,
Still, both sides. Let me go somewhere else. एक तो ये एक रह गया, ये पढ़ देते हैं. Still there have been, still there has, still, वही. ये there have been multiple instances of, there have been multiple instances, okay. ये तो गड़बड़ हो गई. इट्स ओके. देखो यहां देख लो, कोई बात नहीं, ये इधर है. देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डेसिक्रेशन. यहां पर ये डेसिक्रेशन का मतलब होता है कोई इंसान जिसमें विश्वास करे उसके विश्वास वाली चीजों को हटाना, ठीक है, किसी चीज की पवित्रता को भंग करना. जैसे मैं अगर किसी मूर्ति को भगवान मान रहा हूं, उसी मूर्ति को आप तोड़ रहे हो, तो उसी के बारे में, इसीलिए वही फोटो मैंने दिखाई थी, भगवान से रिलेटेड है. देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑफ डेसिक्रेशन, वैंडलिज्म तोड़फोड़ करना, एंड रॉबरी, रॉबरी मतलब वही लूटमार, एट श्राइन्स, श्राइन मतलब होता है टेम्पल की मेन जगह जहां मूर्ति होती है, एंड पूजा पंडाल, तो पूजा पंडाल में, श्राइन्स वगैरह में चोरी हो रही है, वैंडलिज्म तोड़फोड़ हो रहा है, डेसिक्रेशन बोल सकते हैं किसको, ये रहा डेसिक्रेशन. क्या हो गया डेसिक्रेशन, मतलब बोलते हैं खराब करना, तोड़ना, विश्वास, जिसमें विश्वास है ना उसको खराब करना, विश्वास वाली चीज को खराब कर देना, ठीक है. वैंडलिज्म तोड़फोड़, रॉबरी, लूटमार, ये हो गया. यूनुस कंटेंशन, भाई कंटेंशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, तो यूनुस का जो कंटेंशन है, दैट दीज अटैक्स आर पॉलिटिकली एंड नॉट कम्युनल अमाउंट्स टू अ सिंगुलर एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पॉलिटिकली हैं ये सारी की चीज़ें, एंड नॉट कम्युनल अमाउंट्स टू अ सिंगुलर, कम्युनल नहीं है, अमाउंट्स टू अ सिंगुलर एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये सब चीज़ें क्या है, सिंगुलर, ये सब चीज़ें इस बात को बता रही कि ये सिर्फ सीधा सीधा साफ साफ सिंगुलर एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. एब्डिकेट मतलब होता है बाहर निकाल देना या पीछे हट जाना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बंदा ये कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, ये कुछ पॉलिटिकली हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा या मेरे से नहीं हो रहा, ये हम लोग नहीं भड़का रहे. अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ हेट इज बीइंग अवॉर्डेड टू अलाउ टू गेन ग्राउंड इन बांग्लादेश. अ सिस्टमैटिक पैटर्न, टू गेन ग्राउंड का मतलब होता है वैल्यू मिलना, ठीक है, जगह मिलना. अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ हेट, एक अलग सा ही तरीका हो रहा है जिसमें हेट बढ़ रही है, और उस हेट के बढ़ते क्या हो रहा है, बांग्लादेश में जगह मिल रही है हेट को. डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, किसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, किसके बावजूद भी, हिज अश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड पीरियोडिक विजिट्स टू अ टेम्पल. पीरियोडिक विजिट्स, वो बार बार पीरियोडिकली बैक टू बैक टेम्पल भी जा रहा है, उसने ये अश्योरेंस भी दिया है कि वो प्रोटेक्ट करेगा रिलीजियस फ्रीडम को लोगों की, इतना सब कहने के बावजूद भी. डिस्पाइट क्या होता है, के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है, तो इसी बात को बताया गया है. और लास्ट, देयर्स अ लेसन इन व्हाट्स टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश. एक लेसन है जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है. क्या लेसन है, फॉर इंडिया एज वेल, बांग्लादेश में भी एक लेसन है जो चल रहा है, जो चलना चाहिए, एंड फॉर इंडिया एज वेल, इंडिया के लिए भी है. साइड स्टेपिंग द एलिफेंट इन द रूम, भाई इसको अंडरलाइन करके लिख लो. ये एक फ्रेज मुझे बड़ा मस्त लगा, ढूंढ के मैं लाया कहीं से. एलिफेंट इन द रूम, दी एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सामने दिख रही है, भगा नहीं सकते. स्टेपिंग, साइड स्टेपिंग मतलब होता है साइड में रखना, तो एक प्रॉब्लम उसे साइड में रखना वुड बी एज डिप्लोरेबल एज नॉट कॉलिंग आउट ढाका. वो भी क्या रहेगा, वो इतने डिप्लोरेबल रहेगी जितना ढाका को कॉल आउट नहीं करना हुआ. कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट मतलब होता है क्रिटिसाइज.
ठीक है, डिप्लोरेबल मतलब होता है बुरा कहना, तो अगर उसे बुरा नहीं कह रहे हो तो वो भी क्या है, गलत ही है. एलिफेंट इन द रूम प्रॉब्लम. लेट्स नॉट बी इन डिनायल अबाउट माइनॉरिटी बैशिंग एट होम. लेट्स नॉट बी इन डिनायल, डिनायल में नहीं रहते हम, इस बात से मना नहीं करते, मना मत करो, इनकार मत करो. क्या इनकार मत करो, लेट्स नॉट, ये नहीं करते हम. अबाउट माइनॉरिटी बैशिंग एट होम, माइनॉरिटी को बैश करना, बैश मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, एट होम, घर के अंदर ही हैं वो और उन्हें माइनॉरिटी को बाहर निकाल रहे हैं या बुरा बता रहे हैं, गलत हो रहा है उनके साथ. दिस वाइल अब्सर्डिटी, वाइल मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टरिंग, मस्ट एंड. ये जो अब्सर्डिटी है ना, ये बड़ी अजीब चीज़ है. अब्सर्ड मतलब होता है अजीब, अब्सर्ड, ये जो अजीब चीज़ है ये वाइल, वाइल मतलब बहुत बुरी, वाइस, वाइस होता है ना, वाइस एंड वर्चू है ना, अच्छाई बुराई. तो जो वाइल है ना, ये जो बुरी अब्सर्डिटी है, मस्ट एंड, ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए. इट इज़ अ डिसर्विस टू इंडिया एंड इंडियंस. ये भारतीयों के लिए सर्विस नहीं, भारतीय और भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए और भारत के लिए सर्विस नहीं है, डिस सर्विस है, बुरा करना है ना, एक तरह से किसी इंसान को चलते हुए को मार दिया, कोई मंदिर में गया तो उसको कूट पीट दिया, मार दिया और लूट लिया, ये सारी चीज़ें, तो ये भारत के लिए सर्विस. तो अल्टीमेटली क्या है इसका कंक्लूजन, अगर मैं बताऊँ इन वर्ड, हालांकि लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीपल इन बांग्लादेश दे जस्ट वॉन्ट इंडिया टू सेंड बैक, डिपोर्ट, डिपोर्ट करना किसे, शेख हसीना को. एंड कुछ चीज़ें हैं जो शेख हसीना ने करी, तो वो वापस जाए, एंड शी हैड टू फेस द ट्रायल्स, उसे वो ट्रायल्स यानी कि जो कोर्ट केस वगैरह चलेंगे वो फेस करे, सामने आए, इसने कुछ भी किया और लास्ट में फिर ये भाग आई. सो दिस इज़ व्हाट दे हेट. और इसके अलावा ये तो इसमें लिखा है, एंड आई एम नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स एनीथिंग, आई एम जस्ट रीडिंग एंड टेलिंग to people to learn English and to know what's going on around the world. And this is I am reading the Tribune. And if you like this video, please like, share and subscribe. अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो. And stay tuned, I'll be teaching you the vocabulary which is of very much importance in exams like SSC and many others. और जो इसमें एसे टाइप होता है, इट विल बी यूजफुल फॉर UPSC एंड अदर 10th 12th क्लासेस ऑल्सो. टू हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. थैंक यू वेरी मच.